ये आते ही देखो सरप्राइज मिल गया मुझे भी आज स्कूल आते ही। हेलो गाइस, करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट और देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या नया होगा। सुबह 9 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं अब देरी। आज बच्चों की छुट्टी है। रोबो ने कल गड़बड़ कर रखी है, आपको पता ही है, चोरी कर रखी है इसने रोबो ने कल। हमने आज एक शादी में जाना, गांव में एक शादी भी है। खुशी भी आ गई, देखो यहाँ पे खुशी, क्या हाल है? अरे ऐसे मत करो, अरे चलो लड़ो मत, चलो डेयरी चल रहे हो तुम लोग, चलो फिर अब हम पहुंच गए डेयरी। और मेरे को डेयरी बहुत ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ मेरे को चिज्जी मिलती है, ताजी जैसी राम। और पापा अब यहाँ से कैल्शियम ले जा रहे हैं गाय के लिए। आज तो हमने चिज्जी ली नहीं, तो भूल गया ना भी तो ली नहीं। और अब हमने मोड़ दिए स्कूल टीवी चिज्जी लेने के लिए। और गाइस ये देखो, जब तक कुछ लेंगे नहीं लोग तब तक लोग जाएंगे नहीं घर। रिविजन कॉपी, इसको कॉपी चाहिए होती है हमेशा, ले ले। तुझे भी लेनी है कॉपी, तू भी ले ले। कानू ये देखिए, अलग अलग चूरन है यहाँ पे। ये काला चूरन, ये कलर वाला चूरन, हम भी बचपन में खाते थे यार चूरन। ये खाओगे तुम लोग? अब तुम्हें खाने के लिए इतनी चीजें मिल, सबसे अच्छी चीज है, ऐसी दिखती है पर वो वाइट होती है, वो मिल्क का स्वाद है। अच्छा अब तुम्हें इतनी चीजें मिल रही है खाने के लिए, क्यों खाओगे चूरन? पहले हम लोग चूरन खाते थे, हमें अच्छा लगता था, मिलता ही नहीं था कुछ चूरन, फिर जीभ लाल करते थे हम, काली करते थे, दिखाते थे सबको हमारी जी। चलो जी आ गया इनका सामान और चीजें, चलो एक लेट टॉफी भी दे दो इसको। चलो भाई चलते हैं। रोबो रोबो क्या हाल है रोबो? तुम्हारे पांव गंदे हो रहे हैं पता है, नीचे कीचड़ लगा, साफ करो। और ये देखो नीलम यहाँ पे कपड़े धो रही है सुबह सुबह धूप में। रोबो रोबो इनके पीछे लगा कि कुछ खाने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे खाने को। तूने कल मिठाई बहुत खा रखी है, ज्यादा मीठा देना नहीं तेरे को, तेरे बाल सब उखड़ जाएंगे। अभी इसको 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल गुड़ गुड़ कुछ नहीं देना, ना टॉफी देनी है। और ये देखो मम्मी भी आ गई घूम के सुबह सुबह। और क्या हाल है? अच्छा अम्मा, अब 2 हफ्ते तक इसको गुड़ भी कभी मत देना, 2 हफ्ते तक। ना ना बात गलती की नहीं है, गलती हमारी है, वो नहीं कह रहे हम, मतलब ऐसे कह रहे ना, उसको ज्यादा मीठा नहीं खिलाना है। अब मुझे बहुत मीठा खा लिया। तो गाइस ऑफिस आ गया था मैं, तो अब जाना है बैंक क्योंकि ऑफिस का काम है, और साथ में जाना है बच्चों के स्कूल क्योंकि पीटीएम है। चलो चलते हैं गाइस, पहले बैंक जा रहा हूँ क्योंकि कैश जमा करना है, कैश पड़ा है जेब में ऑफिस का, पहले बैंक हो आते हैं। चलो जी पहुँच गया बैंक, चलो जी बैंक का काम भी निपट चुका है, चलते हैं अब स्कूल को। तो चलो पहुंच गए इनके स्कूल, आज कुछ प्रोग्राम भी हो रहा है इनके यहाँ लग रहा है। तो गाइस स्कूल में पहुंच गया, अचानक देखा यहाँ साइंस एग्जीबिशन चल रहा है। ये देख, हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, ठीक है? अरे वाह चलो बढ़िया। अच्छा इको सिटी मॉडल है इनका, देखिए। अच्छा बहुत बढ़िया, ये बड़ा अच्छा चल रहा है यार ये। और ये देखिए गुड मॉर्निंग कैसे हैं? सोलर प्रोजेक्शन, अच्छा सोलर प्रोजेक्ट, सोलर की इरिगेशन होती है। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है यार। गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हो? साइंस एग्जीबिशन ऑफ एलिफेंट, वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, वी हैव मेड दिस प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखिए गाइस, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने के लिए प्रोजेक्ट बना रखा है। गुड, यंत्र होता है जिसका नाम डायनेमो होता है। अच्छा जिसकी मदद से जो टर्बाइन है वो विंड है, और उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि ये लाइट जलाना, घर के काम। चलो बढ़िया, बहुत सारे एडवांटेज है कि इससे प्रदूषण मुक्त ये पॉल्यूशन फ्री होता है, तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सूटेबल है। इसकी कमियां भी होती है, जैसे कि इसको एक ऐसी जगह लगाया जाता है बहुत तीव्र गति से हवा आती है। अच्छा, और एक भारी बहुत भारी वर्ग का सिस्टम होता है, तो इससे पशु पक्षियों को नुकसान भी पहुंचता है। गुड मॉर्निंग, स्मार्ट प्रणाली, वी आर फ्रॉम क्लास 10, वी डेवलप अ सिस्टम ऑफ रीजनरेटिव हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो काइनेटिक एनर्जी को, ये करेगा ना काम यहाँ से जी, ऐसे दबाने से करो ये। अच्छा अच्छा ये देखो, अच्छा ये दबाया तो वहाँ से चले, ये आप अजीम कर लीजिए, ये ड्राइवर सीट पे जो रखा हुआ ब्रेक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रेक जो ड्राइवर सीट पे ब्रेक्स होते हैं, और हमने हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम अज्यूम कर लीजिए डिस्क है टायर की। अच्छा, इसमें डीसी मोटर हमने कनेक्ट कर रखी है जो इसकी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। अच्छा, और इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरी चार्ज करेगी, जिससे हमारी साथ साथ चार्ज भी होती रहेगी, मतलब चलते ब्रेक चलते ब्रेक के साथ चार्ज होगा, और बैटरी चार्ज होगी तो कार का माइलेज अच्छा आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे नया प्रोजेक्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, टाइप ऑफ मोशन, मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट स्टेप इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन वो होता है जो अपने फिक्स पाथ पे वो चलता है, चलते गिरा ना ये, हाँ।
फिक्स एक्सिस में रिवॉल्व करता है। अच्छा अच्छा, जैसे ये वाला पार्ट है पंखे का, तो ये अपने फिक्स एक्सिस में मूव करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना जो मोशन है उसको रिपीट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, पीरियडिक मोशन है। ऑस्किलेटरी मोशन, इन दिस कॉन्सेप्ट द ऑब्जेक्ट डज टू एंड फ्रो मोशन। इस कॉन्सेप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, मतलब अपनी जगह से आगे और पीछे मूव करता है। सर्कल बनाएगा तो मतलब घूमने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्या बना रखा है? ये है फोटोसिंथेसिस, जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अच्छा अच्छा, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में एंटोफिस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड में बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं और हमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी वापस करते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड। दिस फूड इज मेड प्रिपेयर्ड इन ग्रीन लीव्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज देयर रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड व्हिच गिव अस ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। गणेश क्या हाल है? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छा, ड्रिप सिंचाई है ना? Drop by drop directly on the root of the plant. It is a modern method of irrigation and involves dripping water at the soil at very low rate with the help of small plastic diameter pipes. It controls wind and save water. ये भी है देखो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, ये क्या बना रखा है? अच्छा लंग्स है। अच्छा ये बड़ा अच्छा बना रखा है आप लोगों ने, लंग्स बना रखे हैं। ओ अच्छा, ये आप ये दिखा रहे हो कि अगर हम सांस लेते हैं तो किस तरह से मतलब लंग्स फूलते हैं ना। ये बड़ा अच्छा बना रखा। हेलो बच्चों, ये क्या आप लोगों ने क्या बना रखा है? अच्छा एटीएम बना रखा है। ये है सबसे बड़ी चीज, खजाने वाली चीज। कार्ड इंसर्ट करो, पता चलेगा क्या है, कैसे बना रखा है। अच्छा ये मैं रख लेता हूँ यार। ये लो, बहुत अच्छा बना रखा है। गुड, क्या कार्ड डाला तो वो घूम गया इधर को। पांच पांच होके निकल रहे हैं एक साथ। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या बना रखा? अच्छा एक एडिया नाम का सेंसर लगा है जो अंधेरे को डिटेक्ट करके लाइट चला देता है। एक बार चलाना, हाथ लगाओ भाई, हाथ लगाओ। ये देखो गाइस, ये सेंसर लगा रखा है बच्चों ने इसमें। हाँ दो प्रकार की होती है, एक बैटरी वाला होता है, एक सोलर वाला होता है। सोलर वाला होता है हाई पावर लगता है और घरों में, और सब जहाँ बैटरी वाला बना है। गुड गुड मॉर्निंग, क्या बना रखा है आप लोगों ने? ना किडनी। अच्छा क्लीन करते हैं, जो ब्लड से क्लीन होगी, जो एक्सेस वाटर होता है वो यूरेटर के थ्रू यहाँ ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाता है। जो ब्लैडर में पूरा स्टोर हो जाता है, ये यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वाह, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? We are the students of class 9 representing our science exhibition model on the topic structure of human air. Human में तीन parts होते हैं, outer air, middle air and inner air. Outer में तीन parts होते हैं, pinna, canal and eardrum. And now middle air में आते हैं तीन parts, hammer, anvil and strip. अब inner air में आते हैं two parts, cochlea and nose. ये जो पिन्ना है हमारा बाहरी जो हिस्सा है उसमें होता है यू शेप स्ट्रक्चर में। अब जो है जो साउंड वहाँ से एंटर होती है, जो पिन्ना काम होता है साउंड को कलेक्ट करना, तो साउंड वहाँ से एंटर होती है, अंदर आती है कान के अंदर, तो ये कैनाल होता है, ट्यूब होती है, जो साउंड ट्रेवल करती है जनरली। और जो ईयर डब्ल्यू कान का पर्दा होता है, बहुत पतली परत होती है, तो साउंड इसमें वाइब्रेट होने के बाद अंदर आती है। और जो तीन बोन है जो हैमर एंटर स्ट्रिप पे ही हेल्प करता है साउंड को आगे बढ़ने में। अच्छा, और जो है साउंड आगे बढ़ने को जाती है इस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, इसको कोकिला बोलते हैं। इसमें लिक्विड या फ्लड भरा होता है जो हेल्प करता है साउंड को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने में। तो साउंड जो नर्व से ही कनेक्ट होती है हमारे इनर ईयर से, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है हमारे इनर ईयर तक, और यहाँ पे हमारा ब्रेन अटैच होता है जो बताता है कि साउंड को क्या बोल रहा है, क्या कमांड करना है। ठीक है, वेरी गुड। ये कान बना रखा है, पर्दे हैं, ऐसा क्या आएगा पूरा? बेसिकली इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन, व्हिच वाइब्रेट्स ड्यू टू द रैपिड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन एंड एम्प्लीफाइड द वॉइस टू द ब्रेन। चलो बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? क्या बना रखा आप लोगों ने? एसिडिक ग्रेन मॉडल। अच्छा, एसिड है वो बारिश के साथ नीचे जमीन पे गिरता है, जिससे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हार्म होता है और फॉरेस्ट एग्रीकल्चर उसको भी हार्म मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ताजमहल, जो ताजमहल पीला पड़ रहा है वो इसकी वजह से ही पड़ रहा है। अच्छा, और इसको हम इसको रोक सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के और इंडस्ट्री को कहीं किनारे पे लोकेट करके, जिससे ऐसा हार्म ना हो। अच्छा टेंथ क्लास, अच्छा टेंथ क्लास हो गया स्कूल? अच्छा चलो बढ़िया यार। अच्छा गुड, हमने ह्यूमन आर्ट का वर्किंग बना रखा है। हाँ 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 हाँ,
जो डीऑक्सीजन ब्लड होता है राइट आरटीएम में जाता है, राइट आरटीएम से वो हमारे राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल्स को हमारे लंग्स तक पुश करते हैं, लंग्स उससे CO2 निकाल के उसको ऑक्सीजन में बना देते हैं। तो गाइस ये देख लो, जैसा दिल आपको दिखता है ना वो उसमें इमोजी में और पिक्चर्स में, वैसा दिल नहीं होता, दिल ऐसा होता है देख लो। अच्छा जो माउथ होता है, माउथ के दो कंपोनेंट होते हैं, पहले होता है तीन और दूसरा होता है टंग। जो तीन होता है वो खाने को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट में, और जो टंग होता है वो टेस्टी करने के लिए और खाने को निगलने के लिए काम करता है। और यहाँ पे एक ग्लैंड फाउंड होता है जिसे बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवर सीक्रेट करता है, और इसमें एक एंजाइम फाइंड होता है फाउंड होता है जिससे बोलते हैं स्लाइवरी एमाइलस, और जो हमारा स्लाइवर होता है फूड के साथ अटैच होकर यहाँ नीचे उसे पॉलिस से खींच जाता है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया आप लोग। जो स्टोमेस में खाना था उसमें तीन टाइप के गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, SCL, पेप्सिल, म्यूकस। SCL का काम है जो बैक्टीरिया उनको किल करने का काम होता है, और जो पेप्सिल है वो डाइजेशन के लिए मदद करता है, और जो म्यूकस है वो स्टोमच की वॉल को प्रोटेक्ट करता है SCL से, क्योंकि SCL एक एसिड है। फिर हमारा खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे जो भी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और एनर्जी को रिलीज करता है, इट इज कनेक्टेड टू लीवर, स्टोमच एंड पैनक्रिया। वो बाइल डक कंटेन करता है, और बाइल डक सीक्रेट करता है जो हमारे फैट का अब्सॉर्ब करता है, और पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पूरा वो बना रखा है कि डाइजेशन कैसे होता है हमारे शरीर में। तो गाइस देखा अपने बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे मतलब साइंस के जो प्रोजेक्ट हैं वो बना रखे हैं, मजा बहुत बढ़िया लगा देख के। और ये आते ही देखो सरप्राइज मिल गया मुझे भी आज स्कूल आते। तो गाइस अब जा रहा हूँ मैं पीटीएम जो हो रही है अंदर उसमें जा रहा हूँ, और यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा है मुझे देख के, गजब बना रखा है बच्चों ने। चलिए पीटीएम में खुशी की कॉपी मिल गई है जो की टेस्ट की कॉपी है, चलिए ले चलते हैं घर को। तो गाइस कान्हा की भी कौशल की भी मतलब कॉपी मिल गई है, और इस बार राइटिंग से थोड़ा अच्छी बनाई बता रहे हैं सर जितेंद्र सर, चलिए थैंक यू सो मच। तो गाइस अब निकलता हूँ ऑफिस को, और यहाँ स्कूल आके बहुत ही मजा आया, और अब जाना है पोस्ट ऑफिस, फिर कैश जमा करने जाना है पापा। तो चलो पोस्ट ऑफिस का काम भी निपट गया, और रक्षिता के पास हमने पैसे डिपॉजिट कर दिए, चलो चलते हैं बाय। तो मैं ऑफिस से घर पहुंच गया हूं, और रोबत तू ठीक है इतनी मिठाई खा के कल? और यहां पे चाय चल रही है, चाय पार्टी देखो। तो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं शादी में जाने के लिए, और टाइम बताऊं 3:30 हो गया यार, हमें शॉर्ट बनाते देर हो गई है, वही है रोज का हमारा आपको पता है कार्यक्रम। और मम्मी यहां बैठी है, मम्मी होके आते हैं हमें, ठीक है चलो। अब हम जा रहे हैं शादी में, और यहां पे चाची और ताई आ रही हैं, और गाइस हम पहुंच गए, भीड़ बहुत है, गाने भी चल रहे हैं। बनाओ बनाओ कह रही है, देखो वीडियो बनाओ, हेलो। और गाइस ये देखो खाना ना हमने खा लिया, और यहाँ पे कान्हा ने अपने दोस्त ढूंढ लिए और इनके साथ खेलने में लगाए, चलो हम जा रहे हैं घर को बाय। नहीं बेटा हो गया टाइम, चलो नहीं बेटा ऑफिस भी जाना है मुझे, चलो चलो खुशी चले भी घर को, चलो भाई चलते हैं, चलो आ जा कान्हा हो गया बहुत खेल दिया, चलो चलो बाय बच्चों, चलो चलो बाय। और गाइस हम घर पहुंच गए, देखो घर आते ही रोबा हमें देख रहा ध्यान से, कुछ लाए नहीं लाए खाने, देखो कुछ नहीं देना बेटा, एक हफ्ते तक तेरे को मीठा बहुत खाया, दिक्कत होगी नहीं तो ये प्लीज दे दो, कह रहा है ना, है ना रोबो प्लीज दे दे तुझे, है रोबो। गाइस रात के 10:30 हो गए, और कान्हा यहाँ पे सो गया, खुशी को मैंने काम सौंपा है कि जो वीडियो है हमारे पास अननेसेसरी उनको डिलीट कर दे मोबाइल से, और नीलम भी यहाँ पे अपने मोबाइल पे लगी हुई है। तो आज जो बच्चों ने ना साइंस के प्रोजेक्ट बनाया था ना, बहुत अच्छे लगे मुझे, और आज का ना पता खास क्या हुआ चीज, और जो आज मैंने लाइव सेशन था मेरे उसमें कृतिका चैनल जो है जो बच्ची है उनके 1,62,00,000 के लगभग सब्सक्राइबर है मेरे ख्याल से, तो वो आई थी, बहुत अच्छा लगा यार। तो करते हैं आज के ब्लॉग का एंड, आई होप दोस्तों ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, गाइस ही कहने के आते हैं।